और सुनाओ भाइयों, और उन पवार एंट्री देख रहे हो ना कहाँ खड़ा हुआ है? आ रहा है पहचान में? नहीं आ रहा? आ जाएगा थोड़ी देर में भाई, आप देखना। हम लोग उड़कर आ चुके हैं दुबई, क्योंकि हमसे किसी महानुभाव ने कहा था हबीबी कम टू दुबई, सो वी आर इन दुबई। अभी तो हम आपको ग्लिम्पल्स दिखा रहे हैं केवल, अभी मेन जहाँ पे बुर्ज खलीफा और वो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग जो रहती हैं वो हम आपको दिखाएंगे बाद में, क्योंकि अभी हम खुद उतरे हैं यहाँ पे, दी से लैंड करा है तो भाई एक्सप्लोर करेंगे। और ये आपकी भाई की पहली इंटरनेशनल ट्रिप है, अंतर्राष्ट्रीय जिससे बोलते हैं, शिमला मनाली स्पीति लद्दाख लेह गोवा कन्याकुमारी तो नहीं, खैर हर जगह डोल लिए। इस बहाने में अरुण भाई साथ मैं भी आ गया भाई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैंने देख लिया। ये तो भाई पता नहीं मालदीव्स थाईलैंड बैंकॉक कहाँ का मसाज करवा के आ रखी है। सॉरी क्या बोल दिया मैं, सच है जो सच है, क्या कह सकते हैं। तो दुबई की सड़कें भाई बहुत अच्छी हैं यार, यहाँ का जो डिसिप्लिन ड्राइवर्स हैं बहुत लाजवाब हैं भाई साहब। मतलब हम जैसे चल रहे हैं है ना, पैदल हैं, हम पे ना कुछ मोटरसाइकिल है, साइकिल तक नहीं है, हम इनके लिए लाचार गवार और भूखे नंगे हैं, ठीक है। तो भाई फिर भी इतनी इज्जत दी जाती है ना, अगर यहाँ पे मान लो ऐसे लाइन बनी हुई है, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं ना तो सारे रुक जाते हैं भाई साहब कि आप निकल जाओ पहले। और हमारे वहाँ अगर ऐसे ट्रैफिक में किसी ने ऐसे हाथ दे के ऐसे मतलब निकलने की कोशिश करेगा तो एकदम पोई पो कि भाई कैसे निकल गया तू मेरे आगे से, मेरी गाड़ी के आगे से, मैंने ले रखी है ह्युंडई की टुसों। भाई यहाँ पे गाड़ियाँ एक से इतनी लाजवाब है ना, मतलब बस पूछो मत। अभी मैं बताता हूँ, दुबई हम आ चुके हैं भाई, और एक्सपीरियंस की अगर हम बात करते हैं दुबई का, तो फर्स्ट इंप्रेशन ही ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो भाई अभी तक तो आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, मतलब जो एक्सपेक्ट करते हैं ना उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत भाई ऐसे होंगे जिनका उनका भी सपना होगा कि भाई एक बार इंटरनेशनल ट्रिप मारें और कुछ डिफरेंस आता है। भाई बहुत डिफरेंस है, एक तो ये कंट्री हॉट बहुत है, अभी हम नवंबर के महीने में आए हैं, 13 नवंबर है मेरे ख्याल से, हाँ तो भाई हॉट तो काफ़ी है यार अभी स्टिल, मतलब ऐसा मौसम हमारे वहाँ मेरे ख्याल से जून जुलाई के आसपास रहता होगा, ह्यूमिडिटी सी और ऐसी। अब देखो और रोड से नहीं खाली, जबकि यहाँ पर गाड़ियों की कमी सही है, और यहाँ धर्म चलता है। अब मैं धर्म के समझाता हूँ, एक धर्म होता है यहाँ के 30 रुपये के बराबर। अभी हमको भाई शॉपिंग भी बहुत करनी है, क्योंकि सबको पता है बंदा दुबई क्यों आता है। देखो घूमने के लिए तो मोनू भाई आपको पता है बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं देश दुनिया में, कहीं का वीज़ा लगवा लो, दुबई ही क्यों आता है पता है, क्यों आता है वो आप कल नेक्स्ट वीडियो में देखोगे अरुण पवार एंट्री पे, इसलिए आता है। अभी आप मेन चैनल पे मेरे को लगता है वो देख के आए होंगे, जो हम चल के आए हैं दुबई मतलब फ़्लाइट से, तो हम लैंड हुए, अगर नहीं देखी तो पहले देख लेना। लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो हमारी फेवरेट किया की ऐसी गाड़ी, मैं कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि किया ऐसी भी गाड़ी बनाती होगी यार। मतलब किया इंडिया में थोड़ा सा प्रीमियम नज़रों से देखी जाती है, लेकिन वही इंटरनेशनल में जब भारी कॉम्पिटिशन होता है ना तब इनके औकात समझ में आती है भाई। अल्टो, ये अल्टो से भी गई गुजरी है भाई, तो डेटसन रेडिगो जैसी है, बिल्कुल छोटी सी है देखना, एकदम लिटिल सी। और यहाँ भी कुमो के टायर दे रहे हैं, सुधर जाओ, पिकांटो करके कोई तो गाड़ी है। और यहाँ क्या है नंबर प्लेट देखो, इस पर UAE लिखा है, मेरे ख्याल से पुरानी होगी, या दुबई लिखा है। और मतलब गाड़ियों का तो आप पूछो ही मत ना, क्या इतना ज़बरदस्त काम है। ये बिल्डिंग्स भी हैं देखो, ऐसा नहीं है जैसे लोग आपको दिखाते हैं कि दुबई में बस वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हर तरीके के वर्कर वगैरह भी हैं जो काम करते हैं, तो इस तरीके का भी आपको सिस्टम मिलता है। और हमारे होटल की अगर आप बात करोगे तो वो है भाई साहब आपका, यहाँ पे देखो यहाँ पे अपना सट्टा वट्टा आप आराम से फूक सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा होटल कहाँ पे है, बोरा, ये है ना, नहीं यू है लैंडम, ये नहीं नहीं ये है, इससे अगला वाला है। हाँ तो भाई दुबई का सिस्टम ऐसा है, मोनू भाई की आप ड्रेस दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे, ये देखो दुबई में भाई, मोनू भाई इस बात सच सच बताना, दिल पे हाथ रखो पहले, रखो तो दिल पे, ये मेरे भाई दोनों हाथ, ओहो मजा आ रहा है, मजा पूरा आ रहा है भाई, सच बताना मजा अपने हाथ में भाई लेना भाई, ये बात सही नहीं, एक बात बताओ एजेंट से आप करवाते तो ज्यादा मजा आता, या खुद एक्सप्लोर करते हैं चीजें उसमें ज्यादा मजा आया, देखना गाड़ी देखो भैया
भाई खुद करने से ना हमें नॉलेज बढ़ती है, चीजों को मिलता है और उसमें दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, उसको ना हमें कुछ सीखने को मिल रहा है। आपके पसीने बता रहे हैं और गर्मी के बारे में दो शब्द हैं आपके मुंह से। मैं तो बहुत कम है गर्मी अभी तो, जब मैं 3 साल पहले आया था भाई, जब 51-52 टेम्परेचर था यहाँ पे। ये तो बड़ी दिक्कत है अभी तो, फिर 30 यहाँ ना हैरियर दिख रही ना स्कॉर्पियो दिख रही ना यहाँ पे दिख रही XUV700 टोयोटा ऐसी ऐसी गाड़ी है टोयोटा की। यहाँ ऐसी ऐसी हमने ना सुना ना देखा ना कुछ, इतना भयंकर तरीके से मतलब देखना। ये भी टोयोटा टोयोटा ऑब्वियसली मतलब सारे ब्रांड हैं और बहुत से ब्रांड इधर से है नहीं। तो होटल बुकिंग अगर मैं आपको बात बताऊं ना तो देखो, टिकट जो हमारी थी एयर अरेबिया की वो थी 31,000 रुपये की, नहीं 30,000 रुपये की सॉरी, 15,000 की, जो कि एकदम घटिया थी, एकदम घटिया भाई। उसमें पता है यहाँ पे क्या हो जाता है, अब मैं आता हूँ सीरियस टॉपिक के ऊपर। दुबई वुबई तो ठीक है, यहाँ पे लोग एजेंट बन के जो लेबर होती है वहाँ से बिहार वगैरह की और वहाँ की जो लेबर क्लास है उसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो क्या है ना, यहाँ पे वर्करों की कमी है, यहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी इतना पैसा कि वो ये सब ऐसे छोटे काम नहीं करते, जैसे प्लम्बिंग इलेक्ट्रीशियन वो नहीं करते ये सारे काम, तो वो इंडिया से बाहर से लोग आते हैं तो एजेंट लेके आते हैं। अब एयर अरेबिया हमको नॉलेज नहीं थी कि एकदम ही थर्ड क्लास एयरलाइन है, मतलब लो कॉस्ट एयरलाइन है भाई। नाम तो सुन के ऐसा लगता है जब आप भी अभी लैपटॉप पर बैठोगे पहली बार बुक करने जाओगे तो ऑब्वियसली ऐसे ही लगता है कि भाई थोड़ा एयर अरेबिया प्रीमियम सी है, प्रीमियम एयर अरेबिया प्रीमियम लगते हैं, इंडिगो वगैरह स्पाइस जेट के आगे तो कर दी हमने बुक भाई। अब उसमें ना मतलब सारी लेबर, उसमें सारी लेबर, देखो कोई बुरा मत मानना पर चलो छोड़ो ये थोड़ा वैसा हो जाएगा। अब भाई उन्होंने क्या इतने गंदे गंदे बदबू मारे उनके, मतलब वो निकालें फार्टिंग करें फार्टिंग फार्ट हैं। और भाई एक हमारे साइड में भाई था, उसने जुर्राब उतार मतलब वो जूते उतार दिए, वो जुर्राबों से इतनी बुरी बदबू, 4 घंटे की फ्लाइट कैसे कैसे काटती है ज़िंदगी की हमें पता है। मोनू भाई याद करके कैसा फील आता है उस चीज़ को? तो ऐसा भी पता क्या दिक्कत क्या थी ना भाई, वो जो साथ वाला बैठा वो समझ नहीं रहता। हाँ, हमने बोल भी दिया सीट भी चेंज कर रहा था, सीट भी चेंज नहीं कर रहा। चलो ये सब छोड़ो भाई, एयर अरेबिया का एक्सपीरियंस वो टू बेकार, और आज हाँ हमारी फ्लाइट लैंड करी वो उससे भी ज़्यादा बेकार भाई। मत आना बिल्कुल कभी एयर अरेबिया मत ले लेना, चाहे 5,000 एक्स्ट्रा लग रहे हो एमिरेट्स वगैरह में, ना कोई टीवी था ना टावी था, इतने बुरे बोर हुए रोडवेज की सी। उसके बाद होटल बुकिंग की बात बताऊं मैं आपको, तो देखो मैंने आपको वीज़ा सारा बता ही दिया था कि भाई कितने का पड़ा था लास्ट वीडियो में। अभी होटल हमने लिया है 31,000 रुपये का 6 रात 7 दिन के लिए, 12 से और 18 को वापस चले जाएंगे हम लोग। तो हाँ ये वाला होटल अपना, और यहाँ पे पैदल डोलने में अलग ही मज़ा आता है। और हमारा होटल इतनी सही जगह पे है भाई, इतनी सही जगह पे है, मतलब यहाँ पे रात को इतनी तगड़ी मार्केट लगती है, इतना ज़बरदस्त सी पी है ना। ये देखो यार इनमें इसमें आना था पता नहीं एमिरेट्स है ये, हाँ एमिरेट्स में यहाँ प्लेन इतने उड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एक शारजा और एक वो, और इमिग्रेशन में हमसे कुछ पूछा ही नहीं था। 30 किलोमीटर तो होटल तो अपना आ चुका है यहाँ पे, लोटस ग्रैंड होटल भाई। ओ कितना बड़ा CCTV कैमरा, ओ भाई ये देखो भाई, मैं तो इतना बड़ा CCTV पहली बार देख रहा हूँ यार। ये देखना सबसे ऊपर देखो ना, पूरा कवर रहता होगा इसमें भाई, ज़बरदस्त काम है एकदम ज़बरदस्त। पुरानी गाड़ी अब यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुरानियों को भी लोग अच्छी मेंटेन करके रखते हैं, ये चीज़ तो मैं देख रहा हूँ। क्लब भी है, क्लब भी है इसमें, आशिकी रेस्टोर बार, ये देखो। अरे मतलब हर तरीके का काम धंधा तो हर देखो हर जगह चलता है यार, हर जगह का यही है, इंडिया में कम है ये सब चीज़ें, बहुत है वहाँ भी। क्या iPhone नहीं, iPhone क्यों लेंगे? कितने का? 3,000 रुपये धर्म चोरी का है क्या भाई? बॉक्स भी है, नकली है यार, नकली है, एंड्रॉइड है ये तो, एंड्रॉइड है ये तो। कहाँ से एंड्रॉइड है? क्या हम कोई गांव से आए हैं क्या? कहाँ से एंड्रॉइड? हम कोई गांव से आए हैं क्या? मतलब कमाल हो गया यार है, मतलब नकली 14 प्रो को भाई 3,000 दिरहम में, 3,000 दिरहम कितना हो गया, 3,000 दिरहम कितना हो गया, 65,000 रुपये का बेच रहा, और एंड्रॉइड था उसके अंदर, मतलब UI लगा रखा था वैसा। क्या पागल समझे हो क्या भाई, इन सब चक्करों से बच के रहना। ये अपना होटल आ गया, देखो झूम रूम लटक रहे हैं जो कि रात को जलते हैं,
रूम पे चलते हैं। कार्ड आपके पास है ना, तो इन सब चीज़ों से एकदम बच के रहो भाई। देखना कैसे पागल बनाया था हमारा मोनू भाई, अकेले रहते तो इससे शायद ले भी लेते, इनका कोई भरोसा भी नहीं होता। मोनू भाई ले लेते ना, सच बताना। और भाई फ़ोन तो भाई लेना ही नहीं चाहिए ऐसे कभी। चलो एक पल को वो भी होता ना ओरिजिनल, तो भी नहीं लेना चाहिए भाई। कौन है क्या है किसका भरोसा नहीं कर सकते ना भाई। दो महंगा ले लो बढ़िया है। हाँ यार मोनू, मुझे लग रहा है आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है यार, पसीना वसीना को ज्यादा आ रहा है आपको, आदत नहीं है। गर्मी है ना भाई। कोई नहीं यार, कभी कोई चलता है, लेकिन फिर ठीक आ गए भाई दुबई। वेलकम टू दुबई। इतना मजा आ रहा है, इतना एक्साइटेड हूं मैं, मतलब खुशी का आप ठिकाना मतलब मेरा जज नहीं कर सकते, इतना मजा मेरे को। अरुण भाई मेरा 2-4 किलो वजन कम कर देंगे इस ट्रिप में। क्यों चला चला के? हाँ ये भी अपना ही तगड़ा एक्सपीरियंस है ना मोनू भाई। ये देखो क्या नोटी बॉय ये भाई, ड्यूटी फ्री साहब ने देखा था क्या क्या लाए। और भाई कुछ जज मत करना इन सब चीज़ों से, सब लोग मतलब वो रहता है ना, मोनू भाई भी अपनी पर्सनल जिंदगी जी रहे हैं, तो इनका जो इच्छा करता है वो करने दो। ये हमारा होटल का हो गया, चलो रूम टूर किसी और वीडियो में दे देंगे। वीडियो देने का बहुत बहुत धन्यवाद। दुबई में और एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे दुबई मॉल वगैरह। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।